हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों की एक बहुत ही अच्छी दवा के बारे में, जिसका नाम रिजोफीड है। तो दोस्तों, ये जो रिजोफीड प्रोडक्ट है, यह विरबैक एनिमल हेल्थ का बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर हम लोग बात करें कि यह काम कहाँ कहाँ पर करने वाला है, तो इसका जो मेनली काम है वह फूड को पचाने में, मतलब खाद्यान्न को पचाने में या दाने चारे को पचाने में इसका मेन काम है। क्योंकि दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जो आपके पशु को खाने को तो पचा ही रहे हैं, उसके साथ में आपके पशु का शारीरिक विकास करवा रहे हैं, मानसिक विकास करवा रहे हैं और उनके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की चय अपचय प्रक्रियाओं को रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग जो अन्य फायदे पा रहे हैं, जो साइड से फायदे पा रहे हैं, वो फायदे हैं जैसे आपके पशुओं का, जानवरों का दूध का कम ना होना, उसके अंदर इनफर्टिलिटी जैसी चीज़ें ना आ पाना, उसके अंदर खून की कमी ना हो पाना, या हम लोग कहें उसके शरीर का विकास होना। इस प्रकार की चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि रिजोफीड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, तो रिजोफीड में दोस्तों बहुत सारे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेनली चार प्रकार के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। उन चार प्रकार के इंग्रेडिएंट में सबसे पहले इंग्रेडिएंट है प्रोबायोटिक्स, सेकेंड नंबर पर आते हैं एमिनो एसिड्स, थर्ड नंबर पर है यहाँ पर कुछ मिनरल्स एंड फोर्थ नंबर पर यहाँ पर पड़ी हुई हैं कुछ हर्ब्स। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक जो पहली कैटेगरी है, तो प्रोबायोटिक क्या है कि प्रोबायोटिक अगर हम लोग बात करें तो प्रोबायोटिक्स आर यूजफुल एंड फ्रेंडली माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन हेल्थ, या हम लोग कहें गट में जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, या दोस्ती करते हैं, या ये ऐसे माइक्रोब होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन को इन्हांस करते हैं, खाना पचाने सड़ाने गलाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। या हम लोग कहें कि जो गट में आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं उनसे कभी कभी क्या होता है कि बैड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण इनडाइजेशन, अपच, इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर कहीं पर ये डिसबैलेंस है कि बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस आ गया है, तो दोस्तों हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर प्रोबायोटिक्स देते हैं। क्योंकि प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, यह मेंटेनेंस करते हैं गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया के बीच में मेंटेनेंस करते हैं, जिसके कारण आपको जो जानवर है वह ऑफ फीड नहीं होने पाता है। क्योंकि जो शरीर में मेनली वर्क है गुड बैक्टीरिया का, तो वह वर्क है खाना को पचाने में, सड़ाने में, इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा वर्क है। तो अगर हम लोग बात करें प्रोबायोटिक में पड़ा क्या क्या हुआ है, इनमें किस किस प्रकार के प्रोबायोटिक, मतलब प्रोबायोटिक में कौन कौन से लाइव ईस्ट पड़े हुए हैं या ईस्ट पड़े हुए हैं, या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसमें सबसे पहले पड़ा हुआ है सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई, उसके बाद उसे यहाँ पर पड़ा हुआ है लैक्टोबैसिलस स्पोरोजिनस एंड उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है एस्परजिलस ओरिजियाई करके, ये तीन प्रोबायोटिक यहाँ पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो प्रोबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्थ फ्रेंडली होते हैं, मतलब आपके जो शरीर है उसके लिए फ्रेंडली हैं। तो पशुओं में भी क्या होता है, प्रोबायोटिक की डिमांड होती है, प्रोबायोटिक की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग आदमियों में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन लेते हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी प्रोबायोटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है दोस्तों, जो क्या करते हैं, जो शरीर में बहुत प्रकार की जो बेनिफिशियल प्रॉपर्टी हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ क्या 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 हो सकती है, अब उस उन बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ में हो सकता है कि जैसे कई कई पशुओं में क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, या उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है, या उनकी इंटेस्टाइन में कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, या दिक्कत आ जा रही है, या शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, या हम लोग कहें कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, मिनरल्स का हम लोग कहें अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या जो आप लोग दाना दे रहे हैं, आप दाना भरपूर दे रहे हैं मगर वहाँ पर उसके जो पाचन क्षमता है वो कमज़ोर है, यानी हम लोग कहें जो लेवल ऑफ गुड बैक्टीरिया है, मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया का जो लेवल है, या हम लोग कहें लाइव ईस्ट का जो लेवल होना चाहिए शरीर में, वह कम हो गया है। इसी कारण आपके पशु में क्या होता है कि उसका पाचन कमज़ोर हो जाता है,
फिर उसके लीवर पे स्ट्रेस आ जाता है, जिसके कारण आपका पशु कभी कभी एड्रोक्सिया में चला जाता है, इंडाइजेशन में चला जाता है, उसको ब्लोटिंग हो जाती है, मतलब खाना न पचना, खाना न खाना और गैस बनना, पेट में दर्द होना, या हम लोग कहें अगर रूमन एसिडोसिस हो गई है वहाँ पर जानवर को आपके, तो रूमन एसिडोसिस के कारण भी वहाँ पर क्या हो सकता है, या तो रूमन में अल्सर हो सकते हैं या इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकते हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाएँ हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग रिजू फीड दे रहे हैं तो इन प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो जब इन प्रकार की कोई चीज़ें नहीं आ पाएंगी तो हमारे पशु को फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, हमारे पशु को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। उन फायदे में हमारे पशु की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जानवर का दाना चारा अच्छा अवशोषण होगा, पचेगा, जिससे हमारे जानवर का दूध अच्छा आएगा, शरीर अच्छा बनेगा क्योंकि वहाँ पर ब्लड अच्छा आएगा। हम लोग जानते हैं जब खाना अच्छा, जब खाने का अच्छा रस निकलेगा तो वह रस सीधे कुछ दिन बाद रक्त में परिवर्तित होता है। जब पशु में ज़्यादा रक्त रहेगा तो हम लोग स्वाभाविक सी बात जानते हैं कि उसके शरीर में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो अच्छी रहेंगी। जब फिजियोलॉजिकल कंडीशन अच्छी रहेगी तो उस पशु की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और जब ब्लड भी अच्छा होता है, मतलब पशु के शरीर में रक्त अच्छा होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो दूध की मात्रा है उसमें भी इन्हांसमेंट आ जाता है, मतलब वो दूध की मात्रा है वो भी बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार के जो लाइव इस्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं, या हम लोग कहें यहाँ पर जो प्रोबायोटिक्स पड़े हुए हैं, उनका ये महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर रहा है। देखिए अगर प्रोबायोटिक में बात की जाए तो दोस्तों ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो हम लोग आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो हमें उनके बारे में भी अभी कुछ ना कुछ जानकारियाँ देनी बाकी है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पड़े हुए हैं कुछ मिनरल्स। अब उन मिनरल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, उन मिनरल्स में पड़ा हुआ है जैसे कॉपर पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, कोबाल्ट पड़ा हुआ है, क्रोमियम पड़ा हुआ है, इस प्रकार के यहाँ पर चार मिनरल्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, मतलब सिस्टम के अंदर जो होने वाली चयापचय की प्रक्रिया है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। कभी कभी क्या हम लोग जानते हैं कि जो कॉपर है, जो जानवर आप फीड हो जा रहे हैं, चाहे वो अत्यधिक उनके पेट में बैड बैक्टीरिया हो गए हो या कोई एंथेलमेंटिक्स हो गए हो या कुछ भी हो गए हो, उनकी वजह से जब जानवर आपका चारा कम कर देता है या जानवर आपका स्ट्रेस में आ जाता है, उन सभी चीज़ों से रिमूव करने में, या हम लोग कहें उस प्रकार के स्ट्रेस को रिमूव करने में, ये जो कॉपर है, या आपने कहीं पर मान लीजिए कहीं पर कोई कीड़े की दवा दी है, उसके कारण आपका पशु क्या हो गया है कि उसको अपच हो गई है, या वो खाना उसका जो दाना चारा है वो कम हो गया है, तो यहाँ पर ये चार मिनरल्स भी क्या करते हैं कि शरीर को मेंटेनेंस करते हैं। अगर हम लोग दोस्तों जिंक की बात करें तो जिंक का बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि जिंक के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि यह वाउंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, मतलब घाव भरने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के यहाँ पर इन्ग्रीडियंट पड़े हुए हैं जो दूसरी कैटेगरी के मिनरल्स कैटेगरी के थे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन वर्बैक एनिमल हेल्थ ने दिया हुआ है। तीसरी कैटेगरी में यहाँ पर दोस्तों आ जा रहा है कि एमिनो एसिड्स। तो यहाँ पर डीएल मेथोनिन करके एक एमिनो एसिड दिया गया है। तो दोस्तों एमिनो एसिड जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है एक किसी सेल के लिए, या हम लोग कहें पूरे शरीर के लिए। पूरे शरीर की अगर बात आएगी तो सेल की भी बात आएगी, क्योंकि सेल एक होती है कोशिका, और कोशिका होती है पशुओं, या हम लोग कहें आदमियों में सबसे छोटी इकाई अभी तक कोई है तो वह कोशिका है। तो ये जो डीएल मेथोनिन है ये सीधे कोशिका के न्यूक्लियस में जा करके, यानी हम लोग कहें वहाँ पर केंद्रक में जा करके, उस केंद्रक के अंदर जो प्रक्रियाएँ चल रही है कि हमें कैसे सेल की ग्रोथ करना है, या हमें कैसे सेल को डिविज़न करना है, मतलब सेल का डिवीजन का मतलब क्या है, सेल को बटना, एक सेल से दो सेल का बटना, यह प्रक्रिया डीएल मेथोनिन के कारण भी अच्छी हो जा रही है, जिससे आपके पशु का जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होने में मदद मिलती है। और विभिन्न प्रकार के जेनेटिक मटेरियल्स को नीड होती है डीएल मेथोनिन की, या हम लोग कहें डीएल मेथोनिन और भी कई चीज़ों में आता है वर्क में, जैसे हम लोग कहें मेटाबॉलिज्म में भी अच्छा ये वर्क करता है, यानी चयापचय की प्रक्रिया को भी अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, या हम लोग कहें एमिनो एसिड है या डीएल मेथोनिन जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो उसका यहाँ पर इस प्रकार का काम है। यहाँ पर कुछ हर्ब्स भी पड़ी हुई हैं। अब उन हर्ब्स में सबसे पहले है जिंजीबर ऑफिसिनाली, अलियम सटिवम, जेंटियन रूट का यहाँ पर पाउडर दिया गया है, मतलब जो जेंटियन होती है, जेंटियन की जड़ का पाउडर यहाँ पर पड़ा हुआ है।
पिम्पिनेला एलिसम एंड सिक्रोमियम इंटिबस, इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई है। अभी जो हर्ब्स पड़ी हुई है यहाँ पर, तो जो हर्ब्स का मेन वर्क होता है, इन सभी हर्ब्स का जो मेन वर्क है वो क्या है, वो मेनली है मेंटल स्टेटस को, आपके जो आपके जानवर का मेंटल स्टेटस है, मतलब जो दिमागी संतुलन है उसको क्या करना, मेंटेन करना। जब आपका पशु तनाव से मुक्त रहेगा, उसका जो लीवर है वह तनाव से मुक्त रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, जब आपके पशु के जो दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, तो आपका जो पशु है वो अच्छे से ज़्यादा चारा करेगा। तो ये हर्ब्स है दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्क कर रही है आपके पशु को दोबारा से दाने चारे लौटने पर, और आपके पशु का जो मेंटल स्टेटस है उसको भी अच्छा कर रही है, लीवर पर जो स्ट्रेस पड़ गया है उसको भी ठीक कर रही है, और शरीर में विभिन्न प्रकार के इन्फ्लामेशन को, मतलब बॉडी में, मतलब शरीर में कहीं भी पर भी कोई भी इन्फ्लामेशन आ गया है, तो उसमें प्रोबायोटिक के साथ इनका कॉम्बिनेशन होने के बाद एक एडिटिव इफेक्ट आ जाए। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब वहाँ पर जो प्रक्रिया है 1+1=2 होने की, वह 1+1=2 ना होकर के 4 हो जा रही है, इस प्रकार की प्रक्रिया आ रही है। तो दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके जानवरों की रूमेन हेल्थ को मेंटेन करने में भी अच्छा वर्क कर रही है। अगर लाइव स्टिक कमी हो गई है, या हम लोग कहें वहाँ पर आपका जानवर पानी के साथ में गैस का बुलबुला या ऑक्सीजन का बुलबुला ले गया है, जिसके कारण वहाँ पर जो ईस्ट थे जिनका एनारोबिक कंडीशन पे पाचन चलता है, खाना सड़ाते हैं, वहाँ पर एरोबिक कंडीशन हो गई, उसके कारण जो लाइव ईस्ट थे वो मर गए हैं, तो वो भी यहाँ से हम लोग मिल रहे हैं, जिसके कारण खाना अच्छा पचेगा, खाना अच्छा सड़ेगा, फीड इनटेक की जो प्रोसेस है, मतलब जो खाद्यान्न खाने की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो ये स्टिमुलेशन करता है फूड इनटेक को, मतलब ये जो आपका पशु खाना खा रहा है उसको क्या कर रहा है, यह बढ़ा दे रहा है। उसके बाद ऑप्टिमाइज रूमन हेल्थ, मतलब रूमन की जो भी हेल्थ है, या हम लोग कहें रूमन पे जो जिस भी प्रकार का कोई दिक्कत हो गई है, चाहे वहाँ पर एरोबिक कंडीशन हो गई हो, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई हो, या हम लोग कहें वहाँ पर लाइविस्ट का जो नंबर ऑफ काउंट है वो कम हो गया हो, या हम लोग कहें वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो गई, कुछ भी दिक्कत हो गई हो वहाँ पर रूमन में, या हम लोग कहीं कहीं पर छाला हो गया हो जिसके कारण आपका पशु दिक्कत में आ गया है, या खाना निकल नहीं पा रहा है, या खाना डाइजेस्ट करते समय उसको पेन हो रहा है जिसके कारण वो खाना नहीं खा रहा है, तो इन सब चीज़ों का जो भी दिक्कत है, तो यहाँ पर प्रोबायोटिक एंड ये यहाँ पर जो मिनरल्स पड़े हुए हैं, जैसे जिंक पड़ा हुआ है एंड कॉपर वगैरह, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये उसको क्या करती है, पूरी रूमन की हेल्थ को, या हम लोग कहें रूमन की ही नहीं, पूरी गट की हेल्थ को। अब गट की हेल्थ का क्या मतलब है, मतलब GIT आप लोग जानते होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। अगर रियल में कहें तो इसको आहार नाल नहीं, इसको पूरी जो पाचन तंत्र की, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या, मुख गुहा से लेकर के एनल तक, मतलब जहाँ से आपका जानवर गोबर करता है वहाँ तक, कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पर भी कोई चोट आ गई है, छाला हो गया है, फोड़ा हो गया है, या कुछ भी दिक्कत हो गई है, या आंतों में सड़न हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। डाइजेशन को दोस्तों बढ़ा ही रहा है, ग्रोथ को बढ़ा ही रहा है, मतलब पाचन को भी बढ़ा रहा है आपके पशु को, दूध भी बढ़ जा रहा है, और आपके पशु के शरीर का विकास भी हो जा रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर दोस्तों ये है एक प्रकार का फीड सप्लीमेंट, मतलब फीड सप्लीमेंट मतलब पशु खाद्य आहार पूरक, मतलब आपके पशुओं में जहाँ पर भी खाद्यान्न की कमी होती है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग हैं, वो लोग एक शिकायत लेकर के आते हैं कि सर हम लोग अपने पशु को दाना चारा अच्छा दे रहे हैं, बहुत हरा चारा भी दे रहे हैं, और चोरी चोकर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, भारी मात्रा में दे रहे हैं, मगर हमारे पशु का दूध कम हो गया है, या हमारे पशु का चारा तो पूरा साफ कर जा रहा है मगर खाना पच नहीं पा रहा। अब वो खाना पच नहीं पा रहा, वो कैसे उनको पता चलेगा, उनको नहीं पता चलता है। तो आपको उस चीज़ के लिए पता करने के लिए आपका जो पशु का गोबर है उसको थोड़ा सा उठाना है वहाँ पर, और एक मग्घे में पानी लेना है, साफ पानी, और वहाँ पर उस गोबर को मिला देना है। आप देखेंगे कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ ऊपर कण तैरते हुए मिलेंगे, जब आप उस पर ऐसे से हाथ करेंगे तो वो कण जो है वो आपके हाथों में लगेगी। ये वही कण है जो इनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आ गए हैं, मतलब आपने दाना चारा दिया है,
दाना दिया हुआ है और वह दाना बाहर निकल रहा है, मतलब वहाँ पर अच्छे डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण आपके पास का जो शरीर है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसका जो दूध देने की क्षमता है वह कम हो गई है, उसके शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसके शरीर में खूनी कमी तो आपने मन से ही हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर नहीं आने को पाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ये फीड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको आप स्वयं से भी ले सकते हैं अपने पशु को, जहाँ आपका जानवर दाना चारा नहीं कर रहा, बहुत परेशान है, तो आप इसको रिजोफीड के साथ में प्रोटोन अगर आप देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर दोस्तों इस बोलस की डोजेस के बारे में बात करें तो ये जो बोलस है इसकी डोजेस है एक गोली सुबह एक गोली शाम, या आप दो गोली एक बार में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बोलस डेली। तो डेली का मतलब क्या है कि ये फीड सप्लीमेंट है, ये भूख बढ़ाने का प्रोडक्ट है, तो ये कोई नुकसान तो करेगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि एक बोलस सुबह एक बोलस शाम दे सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दो गोली एक बार में दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर हर्ब्स हैं, विटामिन है, और हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, और यहाँ पर एमिनो एसिड्स हैं, और यहाँ पर प्रोबायोटिक्स हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। आपके रूमर की गट को अच्छा करेंगी, क्योंकि आप लोग भी समय समय पर कुछ प्रकार के प्रोडक्ट लेते रहते हैं, उसी प्रकार जानवरों में भी इस प्रकार के प्रोडक्टों की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम लोग पाचन नहीं सही कर पा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। आप लोगों को विश्वास नहीं है, मगर मैं ये बात, ये जो टॉपिक है कि अगर पाचन नहीं सही है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक पर्टिकुलर मैं लगभग 1 घंटे का वीडियो बनाऊँगा, फिर उस पर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अगर डोज हो गई एक गोली सुबह एक गोली शाम की, मतलब एक बोलस सुबह एक बोलस शाम की, अगर हम लोग MRP की बात करें तो दोस्तों ये 6 गोली का पत्ता आता है, उसकी MRP लगभग 200 रुपये होती है। अब अगर एक गोली की बात करें तो उसकी MRP एक गोली के 33 रुपया 33 पैसा आती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। हमारा जो एक जागरूकता अभियान है उसका हिस्सा बनना है आपको, और हमारे साथ खड़े होकर के अपना जो पशुवंश है, या हम लोग कहें गोवंश है, या हम लोग कहें जो महसी वंश है, या बकरी वंश है, या भेड़ वंश है, या पूरा पशुपालन है, उसको आप बढ़ाइए। क्योंकि कई सारे लोग लगे हुए हैं कि आपका पशु बेकार हो जाए या गड़बड़ा जाए, तो आप भाई पशुपालक हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको जानकारी दूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से चीज़ें आ रही हैं, आप लोगों को प्यार मिल रहा है, तो चीज़ें बांटनी चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए, चीज़ें दबा के नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों हम अपने चैनल पे जो भी दवाओं का विवरण देते हैं वो सभी ब्रांडेड दवाएं होती हैं, सभी ओरिजिनल दवाएं होती हैं, और हम भारत देश की टॉप 10 कंपनियों की ही दवाओं के विवरण देते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारे इस वीडियो में कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो आपको हमें छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना है। सभी बंधुओं को प्यार, हमारा बहुत बहुत आभार आप सभी का, सभी मेडिकल स्टोर संचालक भाई जो हमारे हैं, जो हमारे पशुपालक भाई इनको देखते हैं, जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हमारा सहयोग करते हैं, जो हमारे डॉक्टर बंधु हमारा सहयोग करते हैं, जो हमारे MR भाई हमारा सहयोग करते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, आपका नमस्कार।